परसों गुंडला वेलूरू कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो घटना गर्ल्स हॉस्टल में हुई, तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ये बहुत ही अमानवीय घटना है, इसको किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह गर्ल्स हॉस्टल में हिडन कैमरे में सब रिकॉर्ड किया गया, इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार किया है। मिनिस्टर कोल्लू रविंद्र को वहां भेजा है, एक टीम को वहां भेजा है, लगातार वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी से संबंध बनाए हुए हैं, संपर्क में हैं, हर समय उन्हें पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। इस तरह की घटना शायद समाज में बहुत गलत विचार देती है, गलत संदेश देती है। हमें इस तरह की घटना को तुरंत रोकना है और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब का हमेशा ये विजन है कि नारी सम्मान, नारी सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया है। हर जगह हर तरह का कानून, हर तरह का साथ, हर तरह का सहयोग देके उन्होंने नारी को बढ़ाने के लिए हमेशा उत्थान के लिए कार्य किया है। और मैं और हमारी पार्टी और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब पूरा इस पर संज्ञान ले रहे हैं, पूरी जानकारी में है, पूरे संपर्क में है और तुरंत इस घटना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना न हो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।